सिवनी जिले के ग्राम पलारी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित पहली किसान संगोष्ठी अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एवं सिवनी जिले के तमाम विधायक गण शामिल हुए। इस मौके पर पलारी ग्राम में नवनिर्मित मंडी प्रांगण का लोकार्पण किया गया। किसान संगोष्ठी के मौके पर जिले भर के तमाम किसानों ने कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा लिया। मौसम की बेरुखी के कारण बर्बाद होती फसलों की तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दर्शाई गई और बताया गया कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर मौसम आधारित खेती छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से नई किस्म की खेती कर लाभ उठा सकते हैं। पुरानी पद्धति से की जा रही किसानी के कारण किसानों को प्रत्येक सीजन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कारण किसान आर्थिक रूप कमजोर हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई किसानी के गुण सिखाए, साथ ही बताया कि मौसम आधारित खेती को छोड़कर नई पद्धति की वैज्ञानिक तरीके से किसानी को खेती करनी चाहिए। नया सोयाबीन हमने फसल चक्र नहीं बदला, उसका दुष्परिणाम हुआ कि सोयाबीन में फिर कई तरह की बीमारियां लगने लगी। और इसलिए इंटरक्रॉपिंग की हम बात नहीं, अब मक्के के साथ सोयाबीन की बात है, अरहर के साथ सोयाबीन की बात नहीं। मैं जब छोटा था तो हमारे सियाने कहा करते थे बुजुर्ग कि भैया चार फूट में खेत के मतलब चार हिस्सों में चार चीज बोना, एक अगर बिगड़ गई तो कम से कम दूसरी तो आ जाएगी। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।